अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर के लिए जो सर्किट डायग्राम है उसको ज़रा गौर से देखें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ एक कैपेसिटर ऐड करेंगे जो कि इनपुट के साथ सीरीज़ में होगा, और इसके साथ ये फीडबैक में एक रेजिस्टर ऐड कर देंगे। आपको याद होगा इंटीग्रेटर सर्किट में आपने जो सर्किट देखा था वो बिल्कुल इसके रिवर्स था। उसमें फीडबैक में कैपेसिटर था और यहाँ पे इनपुट के साथ सीरीज में एक रेजिस्टर ऐड कर रहे थे। ये इस तरह का सर्किट आपको क्या देगा? आपको आउटपुट देगा जो कि आपके इनपुट के रेट ऑफ चेंज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी चीज़ की रेट ऑफ चेंज बताते हैं, इसी तरह ये सर्किट आपको जो भी आप इनपुट देंगे आपको आउटपुट में जो है वो आउटपुट इज़ द प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। अच्छा, अब इसकी वर्किंग देखते हैं। हम सपोज यहाँ पे एक इनपुट अप्लाई करेंगे, दैट इज़ पॉजिटिव गोइंग रैंप, दैट इट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। ये देखें, ऐसे टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज कर रही है। जब आपने इनपुट दी तो उस इनपुट की वजह से ये कैपेसिटर क्या होगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा और करंट फ्लो कर, जो कैपेसिटर का करंट है दैट वुड बी IC। और जब आप इनपुट इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर का करंट इंक्रीज करेगा। मतलब क्या है कि एट ऑल द टाइम I इनपुट इज इक्वल्स टू IC इज इक्वल्स टू I इनपुट। और इसी तरह जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं, आप इनपुट जैसे दे रहे हैं वैसे ही अपीयर होगी कैपेसिटर की प्लेट्स पे, यानी कि VC इज इक्वल्स टू V इनपुट। उसकी वजह क्या है कि आपके कैपेसिटर का जो ये प्लेट है वो अटैच है किसके साथ, इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, और इन्वर्टिंग टर्मिनल आपका वर्चुअली एट ग्राउंड है, मतलब वह ज़ीरो पोटेंशियल पे है। तो ये प्लेट ऑल द टाइम किस पे रहेगी, ज़ीरो वोल्ट पे रहेगी। तो जैसे जैसे आप आपके इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपका ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान है वो इंक्रीज करेगा, और वो उसी रेट से इंक्रीज करेगा जिस रेट से इनपुट इंक्रीज कर रही है। तो हम आगे इसको अब कैपेसिटर के करंट को आप कैसे शो कर सकते हैं। कैपेसिटर का जो करंट है उसका फार्मूला है IC इज इक्वल्स टू VC/T × C। ये फार्मूला कैसे आया इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। आप सबको पता है कि Q इज इक्वल्स टू CV, और अगर Q जो है उसको आप डिवाइड कर दें T से तो वो क्या बन जाएगा, वो करंट बन जाएगा। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे T से डिवाइड किया तो जाहिर है राइट हैंड साइड पे भी करेंगे। तो आपने जब Q/T किया तो वो I बन गया और V डिवाइडेड बाई टी इस साइड पे आ गया। ठीक है, तो चूंकि ये कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं तो I के साथ IC लगा लें और V के साथ VC लगा लें, तो ये फार्मूला आपका बन गया। अच्छा जी, अब आपने IC करंट फ्लो कर रहा है, IC करंट फ्लो करके अब यहाँ से यहाँ पे करंट जो है वो रेजिस्टेंस में से फ्लो करेगा। इस रेजिस्टेंस में यानी फीडबैक रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा, ये उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना के कैपेसिटर में से फ्लो करेगा। उसकी वजह क्या है कि इस पॉइंट पे जब करंट होगा तो आगे क्या है, आगे वेरी हाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वजह से उसको हाई इनपुट इम्पीडेंस का सामना है, और वो हाई इनपुट इम्पीडेंस की वजह से जो करंट कैपेसिटर में से फ्लो करेगा वो सारा का सारा जो है वो रेजिस्टर में से भी वही उतना ही वैल्यू का करंट जो है फ्लो करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि IR इज इक्वल्स टू IC या I इनपुट, दोनों आप इसको कह सकते हैं। अब अगर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम आपको पता है कि करंट हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल जो है वो मूव करता है, अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड जो है वो नेगेटिव है। और फिर से देखें पीछे आए तो ये एंड जो पॉजिटिव यानी हाई पोटेंशियल एंड है वो कितने वैल्यू पे होगा, वो जीरो वोल्ट पे होगा। तो इट मीन्स कि जो लो पोटेंशियल है एंड है वो फिर नेगेटिव में होगा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो जीरो से लो तो फिर नेगेटिव वैल्यू होती है ना। तो इट मीन्स के
आपको यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है वो नेगेटिव में मिल रहा है। अब वी आउट कितनी होगी? वी आउट उतनी ही होगी जितना के यहाँ पे आर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप है। पोटेंशियल का ड्रॉप जैसा है वही आपकी वी आउट होगी। अब पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पे नेगेटिव है तो आपको वी आउट भी नेगेटिव में मिलेगी। तो वी आउट किसके इक्वल है? जितना यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? करंट मल्टीप्लाई बाय आर, करंट मल्टीप्लाई बाय आर। अब कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है? जितना के कैपेसिटर में से फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर का करंट कितना है? आई सी। आई सी की वैल्यू क्या है? वी सी ओवर टी इंटू सी। तो इस तरह से वी आउट आपको क्या मिली? वी सी ओवर टी इंटू सी। ये आपका क्या है? ये करंट है और साथ में आर क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज है आपके पास। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज आपको क्या, आउटपुट वोल्टेज आपको क्या बता रहा है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन वी सी ओवर टी। क्यों? क्योंकि आर एंड सी बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। तो अगर ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो हम कह सकते हैं कि वी आउट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी सी ओवर टी। और वी सी ओवर टी क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, या आप कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। दोनों तरह से आप इसको कह सकते हैं क्योंकि आप पहले ही कह चुके हैं कि वी सी इज इक्वल्स टू वी इनपुट। तो इट मीन्स हमारे पास एक ऐसा सर्किट आ गया जो आप, जिसकी आउटपुट जो है वो इनपुट वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने अपना सर्किट जो है वो अचीव कर लिया। अब इस एग्जांपल में हम क्या ले रहे थे? एक पॉजिटिव गोइंग रैंप वोल्टेज ले रहे थे। अगर यहाँ से हम एक नेगेटिव गोइंग रैंप वोल्टेज लें, यानी जो कि इसके ऐसे आएगी, ऐसे अगर आप इस फिगर में देखें नीचे यहाँ पे, तो ये आपका पॉजिटिव गोइंग रैंप हो गया। टी नॉट से टी वन के दरमियान आपका पॉजिटिव गोइंग रैंप है और टी वन से टी टू के दरमियान आपका नेगेटिव गोइंग रैंप है। तो जब आपका नेगेटिव गोइंग रैंप आएगा वोल्टेज का, तो ये सारी सिचुएशन उलट हो जाएगी। पहले करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब करंट जो है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो आपको आउटपुट वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में मिल रही थी, लेकिन जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगी? पॉजिटिव में मिलेगी। लेकिन अगर दोनों सूरतों में जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये लास्ट के दो तीन पॉइंट्स मैं आपको आपके साथ यहाँ पढ़ती हूँ। नोटिस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ वी आउट, the term VC over T is the slope of the input. VC over T जो है ये input voltage की slope है। If slope increases, V out increases. If slope decreases, V out decreases. And if slope is constant, then V out is a constant. अब इस तरह की जब आपने voltage ली ramp में, इस ऐसी ramp का स्लोप पॉजिटिव सॉरी कांस्टेंट होता है। अगर स्लोप कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं कि आपको ये आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिल रही है। देखें, जब ये पॉजिटिव गोइंग रैंप था तो आपको ये नेगेटिव कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट में मिल रही है, और जब ये नेगेटिव गोइंग रैंप है तो आपको एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो किस में मिल रही है? पॉजिटिव कांस्टेंट वोल्टेज आपको आउटपुट में मिल रही है। दिस मीन्स द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। स्लोप क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिफरेंशिएटर। अच्छा, ये तो आपका आइडियल डिफरेंशिएटर था। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर में हम एक इनपुट रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देते हैं। उसकी वजह क्या है कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जब आप अप्लाई करेंगे तो ये कैपेसिटर जो है हाई फ्रीक्वेंसी पे इसकी इम्पीडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। आपको पता है कि एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc, तो फ्रीक्वेंसी हाई तो फिर इम्पीडेंस आपकी लो। अगर ये लो इम्पीडेंस का होगा तो ये दोनों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपकी जो गेन है उसको बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। तो अब गेन इतनी ज़्यादा हाई, हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो गेन को रिड्यूस करने के लिए हम ये एक रेजिस्टेंस जो है सीरीज में इनपुट के साथ ऐड कर देते हैं, ताकि हम अपना करंट और वोल्टेज को कुछ लिमिट कर सकें और हाई फ्रीक्वेंसीज पे हमें बहुत ज़्यादा हाई गेन की तरफ ना जाना पड़े। तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है और एक आइडियल सिचुएशन होती है, दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं।